नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हम बात करेंगे बाबा साहब की। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उन्होंने इससे पहले शुरुआत करी थी हिंदू धर्म छोड़ने के लिए। 1935 में उन्होंने घोषणा की थी कि वह हिंदू धर्म में पैदा तो हुए हैं लेकिन उसमें मरेंगे नहीं। उन्होंने सभी धर्मों का गहरे से अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर विज्ञान के साथ साथ सभी मनुष्य और पशुओं को समान माना जा रहा है। उन्होंने उसमें ये भी पाया कि उसमें ना तो केवल पशुओं को बल्कि मनुष्यों को एक भली भांति के रूप में जाना जाता है। इसमें ना तो किसी देवी देवताओं को खुश करना था, ना ही उनसे डर के रहना था। इसमें केवल मनुष्य को डर और भय के लोभ से मुक्त करवा के एक संपूर्ण मनुष्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने ये भी पाया कि बौद्ध धर्म एक दीपक के समान है जो खुद जल के दूसरों को दीपक देता है, जो दूसरों को अंधकार से हटाता है। उन्होंने ये ऐलान किया कि वह 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध के दीक्षा आश्रम में बौद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे, जिसका ऐलान पूरे जग में हो चुका था। लोग कई जगहों से आ रहे थे। उस समय ऐसा था कि दीक्षा में आने वाली गाड़ियों में जो भीड़ थी उसको आका नहीं जा सकता था। लोग कई जगहों से आ रहे थे और नई नई जगहों से भी प्रेरित हो रहे थे। कुछ लोग अपने आभूषण बेचकर भी वहां पहुंच रहे थे। वहां पर लाखों लोग वहां पर पहुंचे। जिन लोगों के पास जाने का किराया तक नहीं था उन्होंने इतनी लंबी पदयात्रा तय करी तथा उन्होंने रास्ते में बाबा साहब की जय और बौद्ध धर्म की जय करते हुए यात्रा संपूर्ण करी। वो ऐसा क्यों ना करते, क्योंकि उन्हें बौद्ध धर्म में शरण की आशा दिखाई दे रही थी। क्योंकि हिंदू धर्म में उनका जो अपमान हुआ है उन्हें कीड़े मकोड़ों से भी बदतर माना गया था, जिसके तहत अब वो एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।